में स्वागत है। जिस तरह की दिख रहे खुशी भरे माहौल है, इस माहौल में कहीं न कहीं दिख रहा है कुछ न कुछ साबी और नित्यम में मीडिया के सामने कुछ न कुछ कर रहे हैं। क्या हो रहा है, कुछ घटना बताएंगे? वैसे बहुत अच्छा ड्रामा आ रहा है और जैसे कि आप देख रहे हो कि डिम्पी एक बहुत खूबसूरत बंगालन बनी है। यहाँ माता की पूजा का एक पूरा सीक्वेंस है जहाँ पर डिम्पी का कुछ रेवलेशन होगा और साबी का भी रेवलेशन होगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग सीक्वेंस है। रक्षा मांगे परिवार में एक संग हम लोग आरती करने जा रहे हैं, लेकिन उस आरती के दौरान डिम्पी क्या करती है इसके लिए आपको साबी की सवाल। डिम्पी जी, आप क्या ट्विस्ट करने वाले हो? हमेशा कोई ना कुछ नहीं, आपने ट्विस्ट करते रहते हैं, मतलब रायता फैलते हैं फिर संभालते हैं, क्या बोलना चाहते हैं? इस बार मतलब हर बार रायता फैलाते हैं, इस बार पूरा का पूरा सारे के सारे रायते फैल गए हैं और मेरा पर्दा फाश होने वाला है जो कि साबी ही करने वाली है। फिर मुझे बाद में पता चलेगा वो सब मिले हैं, शायद हिमेश और ताश्वी शायद सब मिले हुए हैं मेरा पर्दा फाश करने में। और तो फाइनली डिम्पी एक्सपोज हो जाएगी सबके सामने, पता लग जाएगा। अभी तक उसने जो जो भी चालें चली हैं सबको पता लग जाएगा। और नवरात्रों के दिन है, नवरात्रि में ही ये शूट कर रहे हैं हम लोग और यहीं पे ही पंडाल में माता के सामने सब एक्सपोज होने वाला है। ये भी मेरे को एक्सपोज कर दी। मैम आपको बता, आप इतनी अच्छी माँ हो जो अपने बहू के बेटी ऐसा रखती हो, बेटा को भी एक प्यार देते हो, बिगड़ते हुए बेटे का आप सुधारते हो, फिर भी ऐसे क्यों हो गया कि तलाक लेना पड़ा नित्यम और साबी को हुआ? वेल वो सर्कमस्टांसेस की वजह से और फिर साबी ने ये डिसाइड किया है कि वो खुद जाना चाहती है घर से और वो अलग रहना चाहती है नित्यम के साथ, तो तभी तो थोड़ा बहुत ड्रामा क्रिएट होगा। हाँ, और मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ उसको, मैं उसके हर डिसीजन में हाँ मिलाती हूँ, लेकिन ये कब तक ऐसा रहेगा ये हमें ऐसे नहीं पसंद। एक्चुअली इस शो में सबसे खूबसूरत चेहरा अगर मुझे किसी का पसंद है तो वो है जो पार को लुक लग रहा है उनका, उनकी आंख यू नो कम्प्लेक्शन मुझे बहुत पसंद है। अट्रैक्शन हो जाता है इनका लुक, अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन। आप इतनी तारीफ मिल रहे हैं, क्या बोलना चाहते हैं? तारीफ इतना मिले तभी मैं आज थोड़ा मेरा दर्द होने लगे कहीं ना कहीं, मुझे कल से तारीफ मिल रही है। नजर लग रही है। और ये रक्षम आदिश 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 का तो कॉम्प्लीमेंट सुनने वाला था, न्यू मेंबर है फैमिली का, थोड़ा हमें वेलकम कर दे। नहीं वेलकम सर, टीवी से बॉलीवुड फैमिली से डालमिया फैमिली। मैं बाहर जा रही हूँ और ये अंदर आ रहे डालमिया। बाहर तो बाहर जा भी रहे तो आने के लिए ना वापस। यस, अब तो क्या कॉम्प्लीमेंट दिया तुमने बंगाली लोग का? मैं तो ऐसा कहता हूँ कि यार तू इतनी मतलब ओरिजिनली बंगाली नहीं है लेकिन तू बंगाली ज्यादा लगती है। मैं तो मेरी तो राय है कि इसने 24 घंटा सुबह दोपहर शाम रात बंगाली कपड़े और इसी गेटअप में रहना चाहिए, सोते वक्त भी इसी में, जागते वक्त भी इसी में। इसकी आ रही है और मुझे कहीं ना कहीं दर्द शुरू हो रहा है। ऑलरेडी बंगाल के डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स जाक लगा के बैठे हुए, सुंदर खूब भाला हो। देखा जाए तो कुछ न कुछ, मैं आप जो डिवोर्स हुआ है आपके आने से कुछ न कुछ, मतलब घर में आने के बाद ही कुछ न कुछ हुआ है, तो आप क्या बोलना चाहते हैं? मुझे तो बड़ा मजा आता है, मजा आया है ये पूरा जो भी ट्रैक सिलसिला हुआ, मुझे बहुत खुशी है क्योंकि अब 6 महीने के बाद मैं फाइनली घर में आया हूँ और मुझे इन सब लोगों के साथ, टैलेंटेड लोगों के साथ काम करने मिल रहे हैं, इनके साथ बहुत अच्छे सीन्स इनके साथ है, तो मजा आता है कि जब पूरी पूरी स्टारकास्ट एक साथ काम कर रहे हैं, तो इट्स बीन फैसिनेटिंग 6 to 8 months अभी एंड फाइनली नाउ दैट आई एम होम, तो मुझे बेहद खुशी है और अभी महीने के दिन भी ज्यादा लगेंगे तो यार व्हाई नॉट। क्या मैम, नवरात्रि चल रहा है आपको कि हम नवरात्रि के सीन भी कर रहे हैं, दुर्गा पूजा का भी सीन कर रहे हैं, क्या मांगत मांगे आप लोगों ने? साबी की सवारी 1000 एपिसोड।